क्या चीज है, क्या क्या ख्याल है? क्या ये चीज है? सबको पता है कि इंडिया उधर सब, ये किसने करना है? इंडिया का खुद का काम है, राज एजेंसी का होगा, इंडिया का अच्छा, खुद का काम है, राज एजेंसी का होगा। तो कुछ भी नहीं है, घुस जाइए, ये क्लियर करो। पाकिस्तानी एक तो है, हिंदुस्तानी सौ है, कल्ला एक सौ का मुकाबला करेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तो सऊदीया में भिखारी बन के जाना बड़े शर्फ की बात है। तो कई आदमी मजाक उड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं। इधर इधर आकर बोले, आप इधर आप इधर आकर बोल रहे हैं, इधर आए, मेरी जगह पे आए। क्या बीती है इंसान पे? ये आवाम तरक्की के लायक है? कोई तरक्की के लायक नहीं है। पाकिस्तानी एक तो है, हिंदुस्तानी सौ है, अच्छा। कल्ला एक सौ का मुकाबला करेगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। जय दोस्तों, जय श्री राम। एक और वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान के जाहिलपन का पूरा नमूना है कि देखिए, अभी पाकिस्तान के अंदर खबर चलाई जा रही है कि भाई 14 पाकिस्तानी भारत क्रिकेट का मैच देखने के लिए वीजा लेकर आए थे और वो हो चुके हैं भारत के अंदर गायब। जैसे यूएई में भाई ये गायब हो जाते हैं, वहां पर भीख मांगते और सड़कों पर लेटे हुए मिलते हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल में यहाँ पर भारत में भी भाई इनको हो चुके हैं ऐसे ही गायब। तो वीडियो के बाद बात करेंगे, वीडियो देख रहे हैं डेली सुहाग और निमरा अहमद जी का, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप भी अहले इल्म आदमी हैं, सबको पता है कि इंडिया क्या चीज है, क्या ख्याल है? सबको पता है कि इंडिया उधर सब, ये किसने करना है? इंडिया का खुद का काम है, राज एजेंसी का होगा, राह का नहीं होगा। मोदी सरकार बैठी है जो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, मुसलमान की उधर कदर ही नहीं रहेगी। हमारा ममालिक है ना, पाकिस्तान है ना, इधर आप रोड पे खड़े हैं, इधर से हर बंदा गुजर रहा है। असाई से आवाज़ मार के पूछ लें आप, सॉरी मेरे मुँह से असाई मसीह कहते हैं जिन्हें, मेरे मुँह से मैं माजत करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं। उसके अलावा हिंदू भी रहते हैं इधर, मुसलमान रहते हैं, और कौमें रहती हैं, बंगाली रहते हैं। लेकिन आप किसी बंदे से पूछ लेंगे ना, यार आपको को पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हर बंदा आपको यही बात कहेगा कि यार हमें पाकिस्तान में ना बहुत अच्छे रह रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? हमें हर हकूक, हर मसला, नो प्रॉब्लम है, जैसे दूसरे रह रहे हैं वैसे हर हकूक, हर इंसानियत वाला हकूक हमें मिल रहा है। बिल्कुल सही हो गया, आपने बहुत लंबी स्पीच दी, सुनकर बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले के वाकया जड़ावाला, जड़ावाला के अंदर कितने ज़्यादा क्रिश्चियंस का पूरा घर जला दिया गया। हिंदू पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद 21% है, कहाँ गए? खत्म होकर 1% रह गया। अभी मैं आपको बताता चलूं कि जो मौजूदा सिनेरियोस, जो कि आपने कहा कि भाई वो जो मिसिंग पर्सन है वो राह की साजिश है, इंडिया की साजिश है, कोई मुल्क के अंदर, फॉर एग्जांपल कि आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान से अगर कोई वीज़ा लेकर पाकिस्तान आता है तो आप उसको गायब कर देते हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये काम पाकिस्तान से हुआ होता ना, सबसे पहली तो मिसाल आपको ये देता हूँ, अगर ये काम पाकिस्तान में हुआ होता ना तो इंडिया की बहन जो मीडिया ऐसे बोलती अच्छा। है जी ये हो गया जी, वो हो गया, फलान हाल 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 पै जाती है, ठीक है ना। तो अभी ये हमें जवाब देना कि वो हमारे 14 पाकिस्तान हमारे भाई थे, वो जो भी थे, आखिर उनका भी कोई माँ होगी, बहन होगी, बाप दादा, उनका सारा खानदान होगा। अभी जवाब दे ना, आपके एक खिलाड़ी इधर पाकिस्तान में आए तो जी पाकिस्तान में खतरा है, हम जी ये नहीं खेलने जा रहे जी, हम वो नहीं खेलने जा रहे, फोरम पे उठा देते हैं जी, यूरोप कंट्री तक मसले चले जाते हैं। अब हमें जवाब देना कि वो 14 पाकिस्तानी गए किधर से, हिंदुस्तान से। अब मुझे एक बात बताएं, यही जवाब आप जाकर दुबई से भी लें, दुबई के अंदर पता रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी जाते हैं, विजिट वीजा लगवा कर गायब हो जाते हैं दुबई के अंदर, फिर पता चलता है कि वो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। आप मुझे बताएं, अब वो पाकिस्तानी क्या करते हैं? वो पाकिस्तानी सड़कों पर सो रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी। अभी सऊदी अरेबिया का वाकया है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप पाकिस्तानियों को भेजना बंद कर दें, विजिट वीजे पर यहाँ पर आते हैं, हरम के अंदर, हरम के अंदर सबसे ज़्यादा जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। तो आप हमारे हरम के अंदर देखें, अल्लाह के घर में जाकर ये सारे काम कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी वो जाकर इंडिया की जब तरक्की देखी होगी तो गायब हो गए होंगे वो, क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, ये मसला और है जो आप उलझा रहे हैं थोड़ा सा, ये मसला और है। वो असल में वो बुजदल कौम है, वो हमारा आवाज भी नहीं मिला कर सकती। ये बुजदल कौम है, बुजदल है, वो सही बात है, वो पांचवें नंबर पर इकॉनमी है, उनकी पांचवें नंबर पर मईशत है। अच्छा, नहीं नहीं, वो बस उनका कुरान अच्छे, हमारे हुक्मरान जो है ना वो चोर है, अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो तो सबसे पहले नंबर पर हमारा मुल्क। हमारी मईशत से डरते हैं वो, हमारी किस चीज से डरते हैं? वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हमारी दिलेरी से डरते हैं। हमारी जो ये पाकिस्तानी कौम है, ये दिलेर कौम है, ये किससे डरती नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तानी कौम, देखो अगर फौज की बात करते हैं तो फौज तो हमारी नंबर वन पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आवाम की बात करते हैं ना, आवाम दिलेर कहाँ से? अगर आवाम इतनी दिलेर होती ना तो फिर हमारी मईशत आज कहाँ की कहाँ होती है। दूसरी बात ये कि एटम बम उनके पास भी है। मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारे हुक्मरान जो है ना, ये सब चोर है, ये किसी को मौका मिलता लेके भाग जाते हैं भाई। अभी तक पाकिस्तानी आवाम ने क्या दलेरी दिखाई है, किस चीज में भारत को पीछे छोड़ा? ये आवाम डंडे लेके भाई निकले भी भाग गए थे सब, क्या बात है। हुक्मरान चोर, मैंने आपको पहले भी बताया, तलीम में हम इधर नहीं, तलीम अच्छी जा रही है, पाकिस्तान की तलीम सबसे अच्छी है। अच्छा जी, कैसे? देखे हमारी कोई भी प्राइवेट स्कूल देखे, इंग्लिश
ये जो गवर्नमेंट देख रहे हैं आप वो भी इंग्लिश हो गए, गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश, हाँ जी इंग्लिश हो गए। वो सिलेबस जो 16 से 20 साल में अपडेट नहीं हुआ, नया नहीं आया, ये तालीम हमारी अच्छी है? नहीं नहीं, हमारी तालीम सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। हाँ जी हमारी तालीम अच्छी है, बाहर के मुल्कों से भी अच्छी है, बाहर के मुल्कों से भी अच्छी है। बाहर के मुल्क आपकी तालीम पर ट्रस्ट नहीं करते, ये वो तालीम है जो 16 से 20 साल हो गया और हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, नहीं पूरा हो गया सिलेबस। दुनिया की रिसर्च कहाँ चली गई है? हमारे बच्चों का तो पूरा सिलेबस है, आपके बच्चों का तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग लेटेस्ट रिसर्च से बहुत दूर है। भारत की तालीम की बात करते हैं तो उनकी तालीम क्या है? कुछ भी नहीं है, भारत में सब जाहल है। सही बात है, ये जो फिल्मों में हीरो बनते हैं, कभी सामने आगे देखे, सामने आगे तो वो ऐसे करते हैं। वो जब मोदी मारा गया था ना बॉर्डर पे, वो सही में क्या कर रहा था? ऐसे कर रहा था, देखा आपने? वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वैसे वो नलका कहते मैं फोटो पे मारा था। वो कुछ भी नहीं है, बुझदा ही है, यकीन करो। पाकिस्तानी एक को है, हिंदुस्तानी 100 है, कल 100 का मुकाबला करेगा। सर मैं बात कर रही थी आपसे तालीम पर, बात कर रही थी, अगर उनकी इतनी तालीम नहीं है ना, आप तो 50वें नंबर पर भी नहीं है, आपकी मईशत तो 50वें नंबर पर नहीं है, उनकी मईशत 5वें नंबर पे है, तीसरे नंबर पर आने जा रही है। ये आपको पता होगा इस चीज का, मुझे ये पता है, ये पाकिस्तानी कौम दलेर है, किस चीज में डरने वाली नहीं है, किस चीज में? अभी आपके सर पे कनपट्टी रख के कोई बोलेगा ना आप पैसे निकालो? निकालूंगा, मेरे पास हर चीज मौजूद है इधर, हाँ मेरे पास हर चीज है इधर, मैं डरूंगा नहीं किसी से। असला लेकर बैठे? असला लेके नहीं बैठे, मेरे पास डंडा होता है, हाथ है, मैंने वोट रखा है। ये तो आपने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ है, अब आम आवाम तो अपने डिफेंस के लिए छुरियां चाकू या डंडे तो नहीं लेके निकलेगी? नहीं नहीं, वो जो तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए दो पाकिस्तानी भैया बोला कि भाई मैं डंडा लिए के बैठा हूँ, तो सबसे पहले तो उस डंडे को भाई लेके बैठे ही हैं डंडे के ऊपर। दूसरी बात जो है बोला कि भाई भारत है हमारे किसे न्यूक्लियर बम सेट रहता है, जिसके ऊपर ये भाई न्यूक्लियर बम के ऊपर ये कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, वही न्यूक्लियर बम कल ये मेरे ख्याल में शाहीन थी, शाहीन परमाणु एक मिसाइल थी इनकी, जिसका टेस्टिंग कर रहे थे, जो कि वहाँ पर ही खुद ही ब्लास्ट हो गया। यानी कि वो बोलते ना भाई, जिसको बनाना नहीं आता तो उसको खाना नहीं आता, खाना तो आता है, वो एक कहावत है भाई, तेरे को बनाना भी आता है, तेरे को तो गिराना भी नहीं आता, ठीक है। तो पाकिस्तानियों के साथ वही हुआ, एक इनके डॉक्टर कादिर थे, वो जो थे जो मिसाइल बना गए थे, वो तो बना के चला गया है, बट अब इनसे भाई वो संभाली नहीं जा रही। इन्होंने एक और टेस्टिंग की थी 3 की, जो कि इन्होंने खुद ही अपने वहाँ पर ब्लास्ट करके, और उसके बाद जो ये बहाना दे रहे हैं, वो बहाना दे रहे हैं कि भाई वो एक फाइटर जेट इंजन होता है, उसकी आवाज़ थी जो कि 332 से अधिक आवाज़ हो जाती है, तो कुछ भी हो एक ब्लास्ट के रूप में बूम ब्लास्ट बन जाता है, वो बना। जबकि इन्होंने वहाँ पर हजारों जो पाकिस्तानी सैनिक है वो तुरंत भेज दिए, एम्बुलेंसेज भेज दी, फायर ब्रिगेड भेज दी, सब कुछ जो इनका डेरा गाजी है वहाँ पर भेज दी, और बात करते हैं ये भाई भारत के साथ आक्रमण करेंगे, भारत को उड़ा देंगे, भारत के साथ ये कर देंगे, जबकि इनके बस का फिलहाल कुछ भी नहीं है। अभी इसराइल में जो हमास ने भी हमला किया है, वहाँ पर भी है, जो मोदी साहब जाकर डटकर खड़े हो चुके हैं, सिर्फ एक कॉल दी है, पूरा पूरा विश्व आज इसराइल के साथ जो है खड़ा हो चुका है। और पाकिस्तानी देखिए, इस चीज़ से पता लगता है कि भाई पाकिस्तानी जाहिल है, मीडिया है और इनके हुक्मरान बड़े खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमास ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि इनका बोलना होता है कि भाई यहूदी हैं जो वहाँ पर फिलिस्तीन